ओडीएफ की परीक्षा में इस बार भी पास हो चुके इंदौर शहर ने अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत ओडीएफ प्लस और ओडीएफ डबल प्लस का दावा पेश कर दिया है। जी हाँ, और इसके साथ ही इंदौर शहर देश का पहला ऐसा शहर बन गया जिसने स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए ओडीएफ डबल प्लस का दावा पेश किया हो। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा इस साल स्वच्छता के सर्वेक्षण के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत अब शहरों को 5-स्टार रेटिंग और 7-स्टार रेटिंग के लिए ओडीएफ घोषित होने के साथ ही 250 अंकों के लिए ओडीएफ प्लस और ओडीएफ डबल प्लस के लिए भी प्रयास करने होंगे, जिसके तहत शहर में बने कुल पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट के 10% टॉयलेट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, 10% में हैंड ड्रायर सिस्टम, 10% टॉयलेट में बच्चों के हाथ धोने के लिए कम ऊंचाई वाले बेसिन, 10% टॉयलेट में पानी बचाने के इंतजाम और 10% टॉयलेट में सीट के साथ डस्टबिन लगा होना जरूरी है। फिलहाल शहर में करीब 326 पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट हैं, जिनमें से निगम 151 में ये सुविधाएं जुटा रहा है। वहीं शहर में निरीक्षण के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक दल 15 नवंबर को इंदौर आएगा, जो 3 दिनों तक शहर का दौरा करेगा। वहीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारियों द्वारा दौरे भी शुरू कर दिए गए हैं। वहीं आज दौरे के दौरान अधिकारियों को जोन 19 में सफाई में लापरवाही देखने को मिली थी, जिसको लेकर निगमायुक्त द्वारा एक CSI को निलंबित किया गया है। देखिए, अभी इंदौर नगर निगम ओडीएफ है और ओपन डेफिकेशन फ्री का सर्टिफिकेशन हो गया है। हम लोग अगले चरण में जो स्वच्छता सर्वेक्षण में जिसके 250 नंबर हैं वो ओडीएफ प्लस और डबल प्लस का हम लोग सर्टिफिकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं और इंदौर ऐसा पहला शहर है जिसने ओडीएफ डबल प्लस के लिए ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई किया हुआ है और उसकी टीम भी अगले 2-3 दिनों में आने वाली है। तो उसके लिए जो हमारे ओडीएफ के जितने भी पॉइंट्स हैं कि कहीं पर भी ओपन डेफिकेशन नहीं होना चाहिए, सभी शौचालयों में सिटी और पीटी में पर्याप्त रूप से व्यवस्था होनी चाहिए, वो तो सारी चीज़ हम लोग देख ही रहे हैं। इसके अलावा हमारे 151 शौचालय ऐसे हैं जिनमें हम लोग विशेष सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, जिसमें कि हैंड ड्रायर भी है, रूम फ्रेशनर भी है, वाटर हार्वेस्टिंग का भी उसमें प्रोविज़न है और भी कई प्रकार की चीज़ें हैं कि प्रत्येक सीट पे एक बल्ब होना चाहिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग करवा रहे हैं। उसके संबंध में मेरे द्वारा दौरा किया गया था और सामान्यतः हर जगह पर बहुत अच्छी स्थिति पाई गई। कुछ एक जगहों पर हल्की फुल्की कमियाँ आई थी जिसके संबंध में निर्देशित किया गया है। तो 15-16-17 को टीम आएगी ओडीएफ डबल प्लस का सर्वे करने के लिए और मुझे पूरा विश्वास है कि इंदौर पहला शहर होगा जो ओडीएफ डबल प्लस होगा। देखिए, ये शौचालयों के दौरे के बीच में ही कुछ 19 नंबर जोन में 1-2 जगहों पर गंदगी नज़र आई थी, तो जिसको देखते हुए वहाँ के जो संबंधित CSI हैं उनको निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि 2-3 जगहों पर उनके जोन में समस्या देखने को मिली थी। हालांकि वो पूरी तरीके से साफ सफाई को लेकर थी, इसका शौचालय से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सस्पेंड किया गया। कुल मिलाकर सफाई में 2 बार नंबर 1 इंदौर तीसरी बार भी स्वच्छता का ताज हासिल करने के लिए लगातार नए नए प्रयास कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।